अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर चिदंबरम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। यहाँ जो सार्क होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें वो शामिल होंगे और साथ साथ बायलैटरल लेवल पर भी रहमान मलिक जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनसे बात करेंगे। नाजरीन, कल भी दो अहम यहाँ मेहमान आए थे इस्लामाबाद में, एक फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के ज़ल्मे रसूल और हिंदुस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव। अफगानिस्तान के हवाले से दिन के आखिर में कल लगा यूं कि ताल्लुकात एक बिल्कुल जैसे कहा जाए कि एक दे टर्न्ड अ न्यू लीव। और हमारी जो मुलाकात हुई कल फॉरेन मिनिस्टर से अफगानिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे। और उन्होंने ये खास कहा कि जो एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है वो कम से कम होता चला जा रहा है और ताल्लुकात बायलैटरल लेवल पे, चाहे ट्रेड के हों, चाहे इकोनॉमिक ताल्लुकात हों, चाहे मिलिट्री लेवल पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के लेवल पे, वो आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होंगे। साथ साथ हमने ये देखा कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी उनकी और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद यूँ लगा कि वहाँ भी एक रियलाइजेशन है दोनों ममालिक में कि दहशतगर्दी जो एक मसला है जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात और डायलॉग खास तौर पे तातुर का शिकार थे, उस चीज़ को अब नहीं रखा जाएगा एक मेन इशू। और अगर कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक होगा फिर भी कोशिश होगी कि ताल्लुकात और मुज़ाकरात हैं वो जारी रहें। बहरहाल सवाल आज के प्रोग्राम में हम ये उठाएंगे नाजरीन कि आया ये अहम है कि दो ममालिक जो अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहें उनके दरमियान सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं, इंटेलिजेंस के इश्यूज हैं, चाहे मिलिट्री अफेयर्स हैं, चाहे और इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस, टेररिज्म वगैरह, आया जब तक कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी सिमत नहीं बैठती, सेटल नहीं होती, जब तक जेन्युइनली ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते बायलैटरल दो ममालिक में। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताते चलें कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटिस्टिक्स है हमारे पास, वो ये कि पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के चीफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा साहब, वो काबुल 1, 2, 4 मरतबा नहीं गए, वो कोई 20-22 मरतबा जा चुके हैं काबुल। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यही वजह है कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक पॉजिटिव मोड पर चल रहे हैं, और ये कि आने वाले दिनों में ये जो इंटेलिजेंस के हवाले से डिस्ट्रस्ट खत्म हुआ है वही उस सियाक व सबाक को बनाएगा जिसमें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आया इसी तरह की बात हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शरीर रहमान साहिबा, मेंबर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की, पीपल्स पार्टी की एमएनए हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम शरीर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोकर साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम खोकर साहब। नाजीन, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर DGISI जनरल हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीद गुल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शरी, आपसे शुरू करते हैं, आप अग्री करती हैं कि जब तक के पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंटेलिजेंस के लेवल पर, मिलिट्री अफेयर्स के लेवल पर बेहतर नहीं होंगे तो गाहे बगाहे हम इस तातुल का शिकार रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ हर लेवल पे बेहतर होना जरूरी है। उन्होंने बड़ी पेशरफ्त की है थिम्पू से आज तक। आप देखें उनका रवैया उस वक्त कितना सख्त था और ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात तो उनकी हठधर्मी का शिकार ही हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही मजबूत चेंज आया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ माहौल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की है कम से कम, और दोनों जब यहाँ आए हैं तो क्लियरली वो भी अपनी पोजीशन को रिव्यू कर रहे हैं, उसकी भी वजूहात होंगी, उनको उन पर कुछ अपने भी कंपल्शंस हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म की बात होती है ये उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, उनका कोर इशू है जो पाकिस्तान के लिए अपना इंटरनल बहुत बड़ा मसला है। तो जाहिर है जो प्रोटोकॉल्स हैं टेररिज्म पे और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, उसको तो मैं समझती हूँ डेफिनेटली रिवाइव होना चाहिए और किसी किस्म की शक्ल अमली तौर पर देनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा
पाकिस्तान को भी तय करना होगा कि उसके अब कोर इश्यूज क्या हैं, थोड़ा डिफाइन करना होगा। बहुत से कोर इश्यूज पाइल अप हो रहे हैं, कश्मीर तो है ही एक देरीना मसला, लेकिन वो किस तरजीहात अब वो क्या कर सकेंगे नेगोशिएट इंडिया के, बिकॉज देखिए ये ऐसा फायदा नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी तरजीहात मुस्तकिल ठोंसें। मुजाकरात का मसला मैं समझती हूँ सक्सेस तब होगी जब वो एक दूसरे की बात सुनने तैयार होंगे, कुछ गिव और टेक होगा, कुछ लचक दोनों साइड्स अगर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझती हूँ ये वक्त आ गया है, अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड। दोनों ममालिक अब जुलाई में भी मिलेंगे आला सतह पे, और मैं समझती हूँ खित्ते में भी बड़े चेंजेस आ रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी आपने खुद मेंशन किया, तो वहाँ भी मैं प्रेसिडेंट कारजाई ने अपनी कुछ ना से अपने जो इंटेलिजेंस चीफ्स को अभी दो को एक को निकाला है, फिर मिनिस्टर को भी हटाया है, ये पाकिस्तान की तरफ तो CBM ही समझा जाएगा। तो अमेरिका भी इस कमरे में घुसा हुआ है और बड़ा इसका साया है जी, और वो इंडिया कितना भी डिनाय करे दिल्ली पर उनका काफी इस वक्त दबाव है। खोखर साहब, दिल्ली का पर अमेरिका का भी असर है और ताल्लुकात अब लगता है कि किसी सिमत बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन हमने देखा समिट था 1999 का, चीजें बहुत आगे निकली, लेकिन फिर कारगिल हो गया, हमने देखा कि आगरा समिट में प्रॉब्लम्स थे लेकिन आगरा समिट के बाद 2002 दिसंबर में एक इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, आई थिंक 2001 में, फिर 2002 में क्या हुआ। तो ये बताइए कि सवाल फिर से यही उठाएंगे कि जब तक के इंटेलिजेंस लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बेहतर नहीं होते, वी स्टिल रन द रिस्क डिस्पाइट व्हाट द फॉरेन सेक्रेटरीज आर सेइंग। देखिए, जहाँ तक हिस्ट्री ऑफ मिसट्रस्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो क्यूमुलेटिव भी है और उसके अलावा हर लेवल पर है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इंटेलिजेंस। ये हमें अस्यूम नहीं करना चाहिए कि इंटेलिजेंस इज रनिंग ऑन इट्स ओन, यानी इट इज़ पार्ट ऑफ ए पॉलिसी। कभी ये नहीं होता कि जी वो इंटेलिजेंस वाले जो अपनी कोई लाइन कर रहे हैं, जब तक कि उनको कभी नहीं प्रेजेंट नहीं, मेरा मतलब छोटी मोटी चीज़ों में टैक्टिकल होता है बट एक स्ट्रेटेजिक व्यू होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि दे डोंट फंक्शन एंटायरली ऑन देयर ओन, है जी। दूसरी चीज़ ये है कि दे मे बी लीडिंग द पॉलिटिकल लॉट, वो और बात है। देखिए, वो तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी है ना जी। अब देखिए, आप अमेरिका में क्या हुआ है, somebody stepped out of line and he was fired. बिल्कुल। तो सवाल यह है कि हमारे यहाँ जो ये है, ये एक coordinated move होती है, जहाँ तक मेरा इल्म है, it's a coordinated move, strategic level के ऊपर, tactical पे उनकी थोड़ी बहुत freedom होती है। तो ये अगर वाकई हम मसले हल करना चाहते हैं वाकई, तो सर 1999 में स्ट्रेटेजिक तो कहां थे? 99 तो देखिए वो समिट लाहौर का कहां था और कारगिल कहां था? कारगिल वाज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। वो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस नहीं, मेरा मतलब वो तो प्रेसिडेंट के जेन में था ना, ये एजेंसीज ने तो नहीं किया, ये बेसिकली प्रेसिडेंट का, आर्मी चीफ थे भाई, आर्मी चीफ का फैसला था, आई मीन ही वाज आर्मी चीफ, मेरा मतलब है कि अदर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट बट इट वाज हिज डिसीजन that he thought that he will get away with it, but I think this is where he made the mistake. Uski it hadn't been thought through ke iske downstream effects kya honge. This was the main mistake. Most of his decisions were like that. I would say ke agar waqai masle hal karna chahte hain to har level pe sustained contact hona chahiye, har level par. General sahab, har level pe sustained contact hona chahiye, wo bhi sahi hai, ये पॉलिटिकल लॉट को लीड करना चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों ममालिक